ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਲੋਕਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਫੌਜੀ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ। ਫੌਜੀ ਦੀਪਕ ਜੀ ਵੈਲਕਮ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਦੀਪਕ ਜੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਦੀਪਕ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਘੇਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੁਹਾੜ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਲਈ, ਫਿਰ ਰੋਡ ਚੱਲਦੇ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ? देखिये वीर जी, सबसे पहले तो अगर हम बात करें, आप कर्नाटक की बात कर रहे हो, सबसे बड़ी जो समस्या है किसानों की वो फिलहाल है हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में और राजस्थान में। हरियाणा में जो पंचायती जमीनें हैं उनको जबरदस्ती सरकार के द्वारा कब्जा किया जा रहा है, धान की फसल की खरीद नहीं हो पा रही। अभी बारिश आई थी, बारिश ने सभी फसलों को बर्बाद कर दिया, सरकार ने कोई मुआवजे की घोषणा नहीं की है। मुआवजे की घोषणा छोड़िए, आप जो 2020 में फसलें खराब हुई थी उनका भी मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया सरकार के द्वारा, तो 2022 का तो मिलेगा कहां से। उसके बाद आप पंजाब में हरियाणा में, उत्तर प्रदेश, सब जगह पे पानी की बहुत कमी है। कर्नाटक में ये गए थे विधानसभा का घेराव करने के लिए, अच्छी बात है, देखो किसानों की समस्या कहीं भी हो किसान अगुओं को जाना चाहिए। लेकिन हम इनसे एक सवाल बस यही करना चाह रहे थे, जैसे हमारे किसी भी किसान नेता को, ये ठीक है हम अलग अलग आंदोलन करते हैं, लेकिन किसी भी किसान नेता को या किसी किसान अगुवा को अरेस्ट किया जाता है तो हर जगह पे चक्का जाम का जो आदेश आता है उस आदेश का पालन किया जाता है, जनता के द्वारा किया जाता है, अच्छी बात। लेकिन उससे पहले हम एक बात करना चाहते हैं कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कम से कम ये आपस में मिलकर समस्याएं सबकी एक है। जो कानून हरियाणा में आया हुआ है वही कानून पंजाब में भी आया हुआ है, वही कानून उत्तर प्रदेश में आया हुआ है कि जो पंचायती जमीन होती है उसके ऊपर सरकार का अधिकार होगा। कैसे होगा सरकार का अधिकार? सरकार जबरदस्ती अधिकार ले रही है। ऐसे ही सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, उनको बेचने की तैयारी की जा रही है, उसके ऊपर कोई नहीं बोलता। फसलें बारिश की वजह से फसलें बर्बाद हो रही है, उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, उसके लिए बार बार कहा जा रहा है। अलग अलग आंदोलन करने की बजाय अगर सभी किसान आगू एक बार और बैठ के अपनी मीटिंग करें, अपना फैसला करें कि हमें एक साथ लड़ना होगा, लड़ाई अगर जीतनी है तो एक साथ लड़ना पड़ेगा, अलग अलग लड़के कभी भी लड़ाई नहीं जीती जाएगी वीर जी। बिल्कुल, जो अलग अलग चलण की गल है, आप जानते हैं कि SKM तो तकरीबन जो SKM से दुफाड़े में जिक्र शब्द वरता तो शायद गलत नाम है होवा कि SKM दुफाड़ हो गया। आप जानते हैं कि किन्ने आगू बाहर करते गए, किन्ने इस्तीफे दे के चले गए SKM के, जिड़ी पावर है सी SKM की वह पावर किसान आगू बरकरार नहीं रख सके। आपसी ईगो सी, आपसी लीडरशिप का संकट से, अपनी लीडरशिप बरकरार रखने का संकट से, या फिर एडा संगठन सामने के योग नहीं सी। देखिए वीर जी, संगठन सामने के योग थे इसलिए उनको दिया गया था क्योंकि इनका बहुत लंबा अनुभव है किसान आंदोलन का, बहुत जितने आगू बनाए गए थे इनका बहुत लंबा अनुभव है, अनुभव की कमी नहीं है इनके पास। हाँ, जो शब्द आपने बोले, एक ईगो वाला और एक क्या था, आपसी फूट, ये सबसे बड़ा इसमें कारण रहा है। हम ये नहीं कहते किसी भी नेता की काबिलियत कम, में कोई भी कम नहीं है, लेकिन अलग अलग चलने वाली जो परंपरा हमारी पहले से रही है वही परंपरा ये लोग कायम रखना चाहते हैं, जबकि इनसे बार बार अपील की जा रही है। ठीक है, सभी अनुभवी हो, हम ये चीज को नहीं कहते, कोई अलग से नहीं आएगा, आप लोग ये अगुवाई करो, लेकिन कम से कम एक जगह आके तो करो। ये अलग अलग दिखा रहे हैं, फिर इनको दूसरी बात, इनको अलग अलग फिर नेता बनने की धुन सवार हो जाती, पता नहीं कैसे होती है। ये सबसे बड़ी समस्या है किसान अगुओं की। बहुत से किसान अगु ऐसे हैं दो चार आंदोलन करते हैं, फिर जैसे कोई चुनाव नजदीक आता है फिर वो चुनाव लड़ने की सोच लेते हैं। ये सबसे मेन कमी है किसानों की बर्बादी का कारण, ऐसे नेता बनते हैं। अनुभव में ये लोग कम नहीं, लेकिन इनका जो ईगो है और जो ये अलग अलग चलने की जो इनकी परंपरा इन लोगों ने बना रखी है, अगर इसको छोड़ देना तो मैं ये कह रहा हूं हिंदुस्तान का पूरा किसान एकजुट होने के लिए तैयार है। लेकिन उससे पहले जो एक किसान आगू जो अपने आप को बड़ा नेता बोल रहे हैं, अगर ये एक जगह पे आ जाए
और एक साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएं तो तस्वीर कुछ और ही होगी। 2024 से पहले सभी मांगे मानी जा सकती है किसानों की, अगर ये एक जगह पे आते हैं तो। पानी का मुद्दा है, जमीन का मुद्दा, ये सब मुद्दे सांझे मुद्दे हैं हमारे, हर एक स्टेट के सांझे मुद्दे हैं। तकरीबन आगू इसके लिए तैयार है, कुछ यूपी से भी तैयार है, पंजाब से भी तैयार है, एक दो संगठन हरियाणा से भी तैयार है, लेकिन कुछ एक पंजाब में भी है, हरियाणा में भी और यूपी में भी है, जिन्होंने सरकारों ने प्रलोभन दिया हुआ है कि आप नेता बन सकते हो। उन नेता बने का जो प्रलोभन है ना, वो समस्याएं पैदा कर रहा है, नहीं तो कभी की किसानों की समस्याएं दूर हो जाती। आप ये बताओ, देश के अंदर इतने बड़े बड़े संगठन है, क्या किसान की समस्या दूर नहीं हो सकती? हो सकती है, किसी भी सरकार को झुकाने का मादा है किसान के अंदर। और अब तो किसान के साथ साथ जवान भी साथ में आने के लिए तैयार है, क्योंकि सबका एक जैसा हाल कर दिया इस सरकार ने, ना जवान को छोड़ा, ना किसान को छोड़ा, ना मजदूर को छोड़ा, ना नौकरी वालों को छोड़ा, ना व्यापारियों को छोड़ा। तंग सभी हैं, लेकिन सभी एक चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कम से कम जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, अलग अलग लड़ रहे हैं, ये कम से कम एक मंच पे तो आ जाएं। पता नहीं क्या कारण है, एक मंच पे क्यों नहीं आ पा रहे। नहीं बिल्कुल, जिवें पंजाब दे विच भी प्रोग्राम रखा गया, पंजाब दे विच चक्का जाम का प्रोग्राम है, तो वड्डा कह सकते हैं कि आप जेकर कितना ना कित मेरे याद है कि जो किसानी अंदोलन चल रहा है उदो यह कॉल दी जाती है कि रोड जाम करा आप, हूँ फिर एक बार वही कॉल दी गई है रोड जाम कर भावें हजे खेती करोना जिडा कुछ सामने तो हैगा नहीं, पर मुसीबत दरपेश चुनौतियां किसानी दी बरकरार ने, पर जी कॉल है रोड जाम कर कॉल ओडी वी ही कॉल है जिडी कॉल खेती अंदोलन दौरान दिखाई जाती। देखिए वीर जी, ये आपको भी पता, हमारे को पता, सबको पता है, आंदोलन तो करना पड़ेगा और इस चीज समस्या का समाधान वो रोड पे आकर ही होगा और किसानों को एकजुट करके होगा। एक तरीके से तैयारी भी कर रखी है, आंदोलन की तैयारी की हुई है, कोई कम नहीं, कोई ये नहीं है, पीछे नहीं है तैयारी करने में, तैयारी सभी की है, लेकिन बस एक ये समस्या, एक जगह पे आने की समस्या हो रखी है। अभी जो 30 तारीख का पंजाब बंद का कॉल दिया गया है, वो ये समझो कि उस जो अगला जो आंदोलन होगा उसकी एक तरीके से शुरुआत है ये। अगर वहां से सरकार का ये दिखा कि हाँ सरकार मान रही है, तो फिर एक बड़ी कॉल पूरे देश के लिए भी दी जाएगी, लेकिन उससे पहले सभी को आपस में मिलकर एक बार एक साथ आना पड़ेगा। पंजाब बंद की कॉल कोई छोटी कॉल नहीं है, अगर हरियाणा बंद की कॉल दी जाती है छोटी कॉल नहीं है, ये कॉल लोग तब मानते थे जिस टाइम पर बड़ा आंदोलन चला हुआ था। और अभी सबको पता है, बार बार तकरीबन नेता कहते रहते कि आंदोलन होगा, आंदोलन होगा, हाँ आंदोलन होगा। यहां से भी उन्होंने भी बोला था अभी हरियाणा में जो आंदोलन किया था कि हम पंजाब में भी ऐसा ही आंदोलन करेंगे अगर सरकार नहीं मानती है तो, जो पंचायती जमीन का आंदोलन है, पंचायती जमीन को सरकारें अधिग्रहण कर रही है उसके लिए पंजाब के लिए बोल रहे हैं। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि आप पहले हरियाणा का क्लियर करो, पंजाब वालों के साथ मिलकर बात करो, पंजाब वाले पंजाब में करें, अगर फिर यह लगता कि यह समस्या पूरे देश की है, फिर एक साथ कॉल दो ताकि पूरे देश का किसान एक साथ आने के लिए तैयार हो जाए। वो दिन तय करो, वो समय तय करो, उसके लिए समय लगता है वीर जी, घूमना भी पड़ता है, एक जगह सबको जागरूक करना पड़ता है, सबको बताना पड़ता है भाई आपकी ये ड्यूटी है, आपकी ये ड्यूटी ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। इसमें तैयारी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, 40 से 50% तैयारी है, लेकिन पूरी 100% तैयारी के बगैर अगर अगली बार किसान आएंगे या किसान नेता आएंगे, सरकार फिर खेल जाएगी। सरकार की हर चाल पे नजर रखते हुए और जो ये कॉल है 30 तारीख की पंजाब बंद की, ये मान देना कि ये आंदोलन की शुरुआत है। जी बिल्कुल, हरियाणा के शाहबाद भी कुछ दिन पहला रोड जाम किया गया, उस जाम किए गए रोड तो सानू एक सुनेहा मिलता, एक गल मिलती है कि किसान आगुओं के नाल अज भी लोग डट के खड़े ने। जो गुरु नाम सिंह चडूनी अगवाई कर रहे थे रात उत्थे रुके लंगर छकते हुए जी, फोटो उन्होंने बाहर आउंदियां ने, एक गल तो स्पष्ट है कि लोग तो तुरन के लिए तैयार ने, कितना ना कि वे अंदोलन के जो लोग शक्ति बाहर इकट्ठी होकर निकली है, वह लोग शक्ति अजे तक लोगों के बरकरार हैगी है। बिल्कुल तैयार है वीर जी, वही बात तो हम कह रहे हैं, लोग तैयार हैं, लोग लहर बनने के लिए तैयार है, ऐसी लहर बन जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पिछला आंदोलन था ना उसको भी भूल जाएंगे लोग, ऐसी लहर बनने के लिए तैयार है। लेकिन जो ये किसान आगू, जो किसान नेता हम जिनको मानते हैं, देखो आगू जो होता है उसके पास अनुभव होना चाहिए। अगर हम कहें कि कोई नए को हम अनुभव नए को आगू बना दिए, नहीं हो सकता, ये अनुभव की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि जब बड़े पदर पर ऐसा आंदोलन शुरू होता है ना, उसके लिए अनुभव की बहुत सख्त जरूरत होती है। बिना अनुभव के सरकार है, ये सरकार के बारे में सभी जानते हैं, बहुत चालबाज है ये, शाम दाम दंड भेद हर एक नीति एक मिनट में अपना देती है, ये बोल देती है हाँ जो भी मांग हम मान लेंगे, लेकिन मानती नहीं है। अब की बार अगर आंदोलन करना है, सामने देखना, सामने दुश्मन कमजोर नहीं है, एक सरकार से टकराना और उसको झुकाना, ये सिर्फ किसानों ने करके दिखाया वीर जी, बाकी आज तक कोई नहीं कर सका अपने देश के अंदर।
और किसान फिर तैयार हैं, लेकिन कम से कम ये आगू एक जगह पे आ जाओ। इनसे बार बार यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी ताकत को, अपनी एनर्जी को अलग अलग खर्च कर रहे हो ना, उसको एक जगह पे करके देखो। लोग आज भी उतना ही मान सम्मान देने के लिए बिल्कुल तैयार है वीर जी। बिल्कुल, कई किसान आगुआ की जो क्रेडिबिलिटी है लोगों के लूज नहीं हुई हैगी, पहला तो किसानी अंदोलन तो लैके हूं तक बरकरार है, अंदोलन तो पहला भी बरकरार से। पंजाब के वड्डे आगू ने जोगिंदर सिंह उगराहा, उन्होंने वड्डी जथेबंदी है, बीते कल शहीद भगत सिंह दे उन्होंने नाम से एक प्रोग्राम किया बरनाले की दाना मंडी के, लखों की तादाद के गिणती सी। यह जी आगुआ को देख के लगता कि जेकर अज किसी गल की कौल देन, कोई अंदोलन कर धरना कि लाने तो वे पद्धर उत्ते लोग तुरंगे, क्योंकि नामवर आगू ने जोगिंदर सिंह उगराहा। देखिये वीर जी, एक बात बोली जाती है, आप पंजाब पंजाब वाले खासकर जानते हैं उस बात को कि रहती दुनिया तक झूलते रहेंगे निशान साहब, एक बात बोली जाती है पंजाबी में, आप अच्छी तरीके से बोल सकते हैं उसको। जैसे रहती दुनिया जब तक रहेगी ना निशान साहब झूलते रहेंगे, ऐसे ही जब भी कोई किसानों की बात आएगी या किसान आंदोलन की बात आएगी ना, उगराहा संगठन का नाम और जोगिंदर सिंह उगराहा का नाम जुबान पर आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अपनी शुरू से एक लाइन बनाई हुई, डिसिप्लिन, और एक बड़े शानदार तरीके से वो लोग आंदोलन करते हैं, और उनका जो डिसिप्लिन है ना उसको देख के सीखना चाहिए। जो जितनी भी यूनियनें हैं, किसान यूनियनें हैं, उन सबको सीखना चाहिए कि वो बंदे ना तो कभी किसी उसमें पार्टी का हिस्सा बनते हैं, ना किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ना किसी पार्टी का बिना बात के विरोध करते हैं, वो सिर्फ किसान मुद्दों पर खड़े होते हैं। और जहां भी किसान की कोई बात आती है, आप उनको आधी रात को कॉल करके देखना, आधी रात को भी वो तैयार मिलते हैं किसान मुद्दों के लिए। उनकी यही खासियत है, उनका जो रुतबा है ना वीर जी वो बहुत ही अलग है। यहाँ अपने अपने देश में नहीं, विदेशों तक उनका रुतबा बहुत अलग है। वो जो किसानों की बात रखते हैं, वो खुद कहते हैं कि अगर किसान को अपनी समस्याओं का हल चाहिए तो उसका रास्ता सिर्फ सड़क से ही जाएगा। बिल्कुल, तो खास करके जो आप एस के एम की भी एक बार जाते जाते गल कर लिए, एस के एम बारे हूँ किमें आप गल है ना अगे तोरीए। गल यह है कि किसान आगू कट्ठे तो मैंने होंगे दिखते नहीं है, एस के एम की वड्डी ताकत सी, ताकत तो दुफाड़ हो गई आपस में, किसान आगू भिड़ पे। तो एस के एम कोई हैगी है संभावना कि एस के एम के जान पै जे? देखिए वीर जी, एस के एम जो थी, एस के एम अभी भी है और एस के एम रहेगी। रही बात जिसने इस्तीफा दिया, आप योगेंद्र यादव की बात कीजिए, योगेंद्र यादव पहले भी पॉलिटिक्स करता था, कभी आम आदमी पार्टी में, कभी खुद की पार्टी बनाकर। वो कांग्रेस पार्टी में जाना चाहता है तो उससे तो इस्तीफा फिर लिया जाएगा, क्योंकि ये एस के एम का पहले से ही क्लियर है, जिसको चुनाव लड़ना है वो इस्तीफा दे के जा सकता है। तो योगेंद्र यादव के जाने से एस के एम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुरनाम सिंह चढ़ूनी है, इनको भी बार बार समझाया हुआ है, अब ये कह रहे हैं कि आगे कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, देखो कब तक, कहते हैं, क्योंकि ऐसा ही तीन बार बोल चुके और तीन बार चुनाव लड़ चुके हैं। तो ऐसा तो और कोई अलग, ऐसा कोई अलग नहीं हुआ है जो एस के एम से अलग हो गया हो, जिसके कारण एस के एम कमजोर हो जाए। एस के एम की साख आज भी कायम है और वो कायम रहेगी। जो एस के एम की साख है उस पर कभी कोई बट्टा नहीं लगेगा एक दो के जाने से, क्योंकि ये पहले ही क्लियर किया हुआ था। अगर ये 40 के 40 बीच ले जाएंगे, एस के एम तब भी रहेगा, अगले 40 तैयार है। और ये बात जोगेंद्र सिंह उगराहा जी ने बहुत पहले बोली थी कि अभी नई पंजीरी को मौका देना चाहिए, उनको सीखना चाहिए कि अगुवाई कैसे करनी, कैसे करना। उनके साथ जो युवा रहते हैं ना, वो बहुत कुछ सीखेंगे किसानों के बारे में, कैसे किसान की लड़ाई लड़नी है, कैसे क्या करती सरकारें, कैसे खेलती, बहुत कुछ सीखा जा सकता है। वो अपने आप में चलती फिरती यूनिवर्सिटी है किसानों की लड़ाई लड़ने की, उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जब तक वो एस के एम के अंदर है, हम नहीं मानते कि एस के एम कभी कमजोर पड़ेगा, एस के एम टूट जाएगा। हाँ, दोबारा फिर एस के एम ऐसे ही खड़ा होगा और आंदोलन भी होगा, आप भी यही हो देखना, सरकार फिर झुकेगी। योगेंद्र यादव जो सी गल की, योगेंद्र यादव के समय समय से सवाल खड़े होंगे रहे हैं, जो किसानी अंदोलन दौरान मीटिंग चल रही सी, सुनेहा सी वड्डी धिर वालों, हाकम धिर वालों, वो कहते थे इन्होंने मीटिंग योगेंद्र यादव नहीं आउणगे, जेकर तुसी गलबात कर रहे हैं तो योगेंद्र यादव नूं तुसी पिछे छड्ड के आओ, नाल ना लैके आओ। समय समय से उन्होंने उत्ते सवाल उठते रहे हैं, आह भी सवाल हुंदा कि जो एस के एम नॉन पोलिटिकल सी तां फिर पोलिटिकल बंदा योगेंद्र यादव इहदे च क्यों लिया, अपनी स्वराज पार्टी उन्होंने बनाई हुई है। योगेंद्र यादव एक सस्पेंस बनिया हुआ किसानी अंदोलन के। देखिए वीर जी, एक इंसान होता है जो एक बार गलती करता है, दो बार गलती करता, हम मानते इंसान गलतियों का पुतला है, बार बार भी गलती कर सकता है, लेकिन फिर गलती करके भी गलती नहीं माननी, क्या आप उसको इंसान मानोगे? हम तो नहीं मानते। और उसका क्लियर स्टैंड है, उसको जहां भी अपना फायदा दिखाई देता वो उसी तरफ चला जाता है। दूसरी बात, कभी उसने 10 आदमी भी लेके नहीं आया आंदोलन के अंदर, कहीं भी आंदोलन हो, कुछ भी हो, 10 आदमी भी लेके नहीं जाता। ठीक है, पढ़ा लिखा है,
राजनीति के गुण है, तो अपनी राजनीति क्यों नहीं करता, क्यों फिर वो किसान नेता भी बनने की सोच रहा है? कौन सा बड़ा पत्थर उन्होंने अपने एरिया में करवाया? एक भी करवाया हो तो किसान आंदोलन के दौरान, और ना ही कभी आगे करवाएगा। दूसरी बात, कोई भी बात होती थी सबसे पहले लीक करने में सबसे आगे योगेंद्र यादव का नाम आता था, सबसे पहले मीडिया में जाकर बाइट दे देते थे, चाहे वो 26 जनवरी वाली हो, चाहे वो आंदोलन टूटने वाली जो आंदोलन स्थगित किया गया था उसकी हो, सबसे पहले जाकर बाइट दे देते। उनको सिर्फ अपना एक चेहरा चमकाऊ कह सकते हैं उसको, ना वो किसान नेता है, ना ही वो कभी भविष्य में नेता बन पाएंगे, वो इंसान ही नहीं बन पाएंगे। कम से कम इंसान ही बन जाए, इंसान के रूप में पैदा हुए तो, उनके लिए बस इतना ही कहना चाहेंगे हम। जी बिल्कुल दीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया गलबात के लिए समा कटिया, धन्यवाद थोड़ा। धन्यवाद जी। दोस्तों मेरे नाल जुड़े हुए सी दीप कुमार फौजी जी, रोहतक तो अपने नाल जुड़ते हैं, गलबात अपनी रखते हैं, अच्छे किसान मूवमेंट के उत्ते गलबात की, क्योंकि जरूरी हो जाए आह गलां करनिया जरूरी हो जाएँ दसना के चल की रहा। सो किसान की नवी कॉल है, चक्का जाम की कॉल है, रोड जाम की कॉल है, किसान अगू अलग अलग तूफान हुए हुए हैं, पर दीपक जी ने दसिया कि चांस है इस गेम कट्ठा मुड़ के हो सकता, कट्ठा किमें होगा ये देखने वाला होगा। सो तुम देखते रहो थोड़ा अपना चैनल लोकरण पंजाबी, धन्यवाद।